अमेरिका में कोरोना फाइटर्स तक पहुंचा वायरस। अमेरिका की कोरोना टास्क फोर्स हुई क्वारंटीन। कोरोना पर अमेरिका से सबसे डराने वाली खबर। दुनिया भर में कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर अमेरिका की यह खबर पूरे देश को परेशान करने वाली है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामलों और मौत से जूझ रहे अमेरिका में अब ये संक्रमण उसकी उस टीम तक पहुंच गया है जिसके ऊपर पूरे अमेरिका को कोरोना मुक्त बनाने की जिम्मेदारी है। कोरोना से लड़ने के लिए अमेरिका में बनी टास्क फोर्स के 3 अधिकारी क्वारंटीन हो गए हैं, जिनमें टास्क फोर्स के चीफ एंथनी फाउची भी शामिल है। फाउची के अलावा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर स्टीफन हान भी सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि इन तीनों अधिकारियों में फिलहाल कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं, बल्कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की सेक्रेटरी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये सभी अधिकारी एहतियातन क्वारंटीन में चले गए हैं। टास्क फोर्स के इन अधिकारियों के क्वारंटीन होने से अमेरिका में कोरोना के खिलाफ युद्ध पर असर पड़ना लाजमी है, खासकर तब जबकि टास्क फोर्स के चीफ एंथनी फाउची खुद क्वारंटीन हो गए हैं। एंथनी फाउची अमेरिका के सबसे बड़े वायरस एक्सपर्ट होने के साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक भी हैं। कोरोना पर सरल शब्दों में अपनी राय रखने के लिए भी फाउची की दुनिया भर में प्रशंसा हुई। अमेरिका में ये खबर इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि दुनिया के सबसे अधिक कोरोना के मामले इसी देश में हैं। अमेरिका में फिलहाल 13 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हैं, जबकि 78,000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना पर डराने वाले आंकड़ों से जूझ रहे अमेरिका के लिए अब टास्क फोर्स तक वायरस पहुंचने की आशंका बेहद परेशान करने वाली है। उम्मीद है कि ये कोरोना योद्धा बहुत जल्द स्वस्थ हों ताकि दुनिया के साथ ही जल्द ही अमेरिका को भी कोरोना मुक्त कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।